बहुत ही अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है, क्योंकि कुणाल देशमुख बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर इमरान हाशमी साहब के साथ मैंने काम किया था गुड बॉय बैड बॉय के अंदर, लेकिन वो पिक्चर फिर कुछ जिस तरह बननी चाहिए थी बनी नहीं। एनी वे, बट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड ऑलवेज टू वर्क विद हिम, बिकॉज मैं समझता हूँ कि इज अ वेरी फाइन एक्टर, बहुत ही इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस करने वाला एक्टर है, और लो प्रोफाइल। वैसे भी आम जिंदगी में भी लो प्रोफाइल रखते हैं, न किसी के लेने में न किसी के देने में, उस किस्म का इंसान है। तो मुझे काम करना था उनके साथ में, और अच्छा हुआ कि मैंने उनके साथ काम किया। फिर केके तो है, केके का तो मैं बहुत ही बड़ा एडमायरर रहा हूँ उनकी एक्टिंग का। तो ऐसे जो लोग थे तो मेरी जर्नी अच्छी रही। यूटी के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, अच्छे लोग हैं, मज़ा आता है। जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि कभी कभी क्या होता है कि ये ज़रूरी होना चाहिए कि कैसे लोगों के साथ आप काम करते हैं, क्योंकि तो अच्छे लोगों के साथ काम करो तो काम करने का भी मजा है। फिर स्क्रिप्ट अच्छी हो, लोग अच्छे ना हो तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। और यहाँ पे फॉर्चुनेटली स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, लोग भी बड़े अच्छे थे, फिल्म भी अच्छी बनी। तो कितनी कुछ टिप्स दी है बतौर एक नटवरलाल गुरु ने, गुरु को आप बतौर एक हाँ गुरु गुरु माने टिप्स। बिकॉज मैं समझता तो हूँ कौन आर्टिस्ट होते, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो लोग। वो चिंदी चोर नहीं है, तो पर्स जो स्नैच करके भाग जाते, जो चेन खींच लेते, वैसे लोग नहीं होते। ये पूरा उनकी एक सजा धजा के आपको लूटते हैं ये लोग, और ऐसा लूटते कि आप न पुलिस के पास जा सकते हो, ना आईने में अपना मुंह भी देख सकते हो, आपका ह्यूमिलिएशन कंप्लीट होता है। तो ये जो, और बड़ा रोमांटिक होता है उनका अंदाज, लूटने का भी ठगने का भी, तो ये बड़ा मजा है। इस किस्म के जॉनर मुझे बहुत पसंद है। भाई जी रोमांटिक की बात की है तो रोमांस की कहीं ना कहीं किंग माने जाते हैं इमरान हाशमी, और उस बीच में आपका अपना एक अलग अंदाज रहता है, एक कॉमेडी के साथ साथ एक जो व्यंग और जो एक मैसेज भी करते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ कितना कुछ हमें देखने मिलेगा फिल्म के दौरान। यार रिलेशन बड़ी अच्छी आई है ऊपर की इसमें, मेरी और इमरान की। और एक गुरु चेला नहीं, बाद में बात फ्रेंड से शुरू होती है, फिर गुरु चेले पे जाती है, फिर बाप बेटे में बात, उस किस्म के उसके रंग दिखाई पड़ेंगे आपको, यू नो। तो फॉर्चुनेटली वो बहुत अच्छा आया है। और लव स्टोरी में समझता हूँ कि लव स्टोरी सिर्फ हीरो हीरोइन के बीच में वो ऐसा नहीं होता, माँ बेटे की भी होती है, बाप बेटे की भी होती है, दो दोस्तों की भी होती है, गुरु चेले की भी होती है। जी सर, अमिताभ बच्चन ने भी नटवरलाल नाम की फिल्म की थी, और ये नटवरलाल कितना डिफरेंट है आपके बहुत नज़र डिफरेंस है भैया, उसमें शेर आता था, इसमें कहा नहीं है। अरे जी, अगर आपकी बात करें तीनों ऐसा है कि तीनों महारथी हैं, कौन सबसे ज्यादा ठगी है ऑन स्क्रीन? इसमें तीनों साथ में मिलकर ठगते हैं। इमरान की और के जी की, तो वो एक अलग ही किरदार है, लेकिन कितना आपका एक इम्पोर्टेंस रखता है इस फिल्म को आगे ले जाने में, और कितना आपका किरदार, अगर थोड़ा अगर आप बता सकते। मैं समझता हूँ कि ये बंदा जो है वो सिखाता है उनको कि भैया कई ट्रेन करने वाला जो बंदा है, या गुरु कहिए या फाइन ट्यून करने वाला कहिए, तो तीनों लोग तो वैसे कहानी आगे, क्योंकि विलन का भी होना बहुत जरूरी है कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। हीरो होता है, फिर मेरा जो कैरेक्टर है कि कहीं अगर हीरो फंस ना जाए, फंस गया तो कैसे निकलेगा, वो सब जो पैंतरेबाजी करने के लिए जरूरी होता है, तीनों लोग मिलकर कहानी आगे बढ़ाते हैं। परेश जी, हेरा फेरी में जिस तरह से हंस हंस के ठग रहे थे लोगों को कॉमेडी करके, तो इस बार भी इसी तरह की ठगी है या सीधे से आपका किस तरह की ठगी है? नहीं नहीं इसके अंदर अगर बड़ा माने ये इसका अंदाज अलग है, ये ठेठ कॉमेडी नहीं है ये, और बड़ा मजा आएगा क्योंकि एक एक पहलू दिखाते हैं, समझाते हैं कि भैया इसको देखो, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा करेगा, इसका स्वभाव ऐसा है, बड़ा एकदम तजुर्बेकार आदमी है ये, तो इसका जो देखने का जो नजरिया है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर बहुत मजा आएगा लोगों को, ह्यूमन नेचर के बारे में जो बातें करता है, कॉमेडी टच भी रहेगा इसमें, कॉमेडी कॉमेडी भी रहेगा। जैसे कुणाल की बात करो, इतने सारे आप डायरेक्टर के साथ काम किए बड़े बड़े, कुणाल का किस तरह के डायरेक्शन था और किस तरह के एक्सपीरियंस था? या मेथोडिकल है, बहुत मेहनती है, ही डजंट टेक इज सक्सेस फॉर ग्रांटेड, और मेहनत करके आता है बंदा, माने कोई भी सवाल पूछो तो उसका जवाब होता है,
कभी कभी ऐसा लगता है इंस्पायर्ड ऑफ नोइंग द स्क्रिप्ट, रीडिंग द स्क्रिप्ट, इंस्पायर्ड ऑफ सेइंग यस टू द स्क्रिप्ट, फिर भी कुछ सवाल उठते हैं तो उसका सही जवाब मिलता है। अगर सही जवाब नहीं होता तो बोलते हैं हाँ यार यू आर राइट, ये भी है खानदानी उसमें और खेल दिली है उसमें। एट सेम टाइम अगर आप ऑडियंस की बात करें, बहुत सारे ऑडियंस हैं कि नहीं परेश जी है तो मूवी हिट है, तो डू यू थिंक ये तो स्ट्रांग पॉइंट इन दिस मूवी, परेश जी है तो मूवी हिट है ऐसा कुछ नहीं, परेश जी ने भी काफी फ्लॉप दी है यार, हिम्मत वाला भी है ना यार। ऐसा मेरा ऐसा कोई वहम है ना, मैं ऐसी चीजों ये सब है, सबकी वजह से फिल्में बनती है। बट बहुत सारे आपके ऑडियंस से एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं एक्सपेक्टेशन होते हैं यार, वो मैं मानता हूँ, मुझे लगता है फुलफिल होगा क्योंकि ओवरऑल कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये जॉनर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ऑडियंस को जब बेवकूफ नहीं समझते, ऑडियंस को साथ में लेके चलते हो, ऑडियंस के मन में जो सवाल उठ रहे हैं सारे सवाल के जवाब भी मिल रहे हैं आपको, तो ऑडियंस को भी मजा आता है जर्नी में कि यार कैसे करेंगे, कैसे फांसेंगे उसको, कैसे उसको लपेटे में लेंगे। मानता ही नहीं तो फिर मैं क्यों जवाब दूं यार, ये 100 करोड़ क्लब उसमें तो पॉपकॉर्न के पैसे भी गिनते हैं लोग यार। हमने तो ये सुना है कि जो पॉपकॉर्न बेचा रहता है उसका भी होता है ऐसा कोई हिसाब किताब, ऐसा सुना है मैंने। परेश जी इस फिल्म में आप इमरान के गुरु बन रहे हैं, तो रियल लाइफ में किसी को शिष्य बनाया है आपने? अरे भैया अपने बेटे अपनी बात नहीं सुनते, किसी को क्या नहीं नहीं किसी को शिष्य नहीं बनाया। गुरु दक्षिणा की बात राजनीति में उतरने के बाद अपने फिल्मी करियर को किस तरह से टाइम दे पाते हैं, फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? इजी है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, इरादे होने चाहिए। सर शिष्य तो नहीं बना लेकिन मोदी जैसे एक हस्ती को गुरु मानते हैं कि एक आइडल है या देश के लिए कुछ कर गुजरने के उनके अंदर दम है, क्या मानते? यार मुझे एक बात बताइए, आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा है आपने किसी भी देश का कि जिसका अपना घर नहीं है और जिसका अपना बैंक अकाउंट भी नहीं है? ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा है? ऐसे आदमी को आप वाकई दिल से बात निकलती कि यार चलो ये बंदा कुछ कर रहा है तो उनके साथ रहो, यही है, सिंपल है। तो सर अभी तक किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, अगर देखा जाए राजनीति में 2-3 महीने हो गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा खास? मुझे तो वाकई मजा आया है, काफी सीखने को मिल रहा है, एवरीडे सीखने को मिल रहा है, जवाबदारी का जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है और बहुत काम करना बाकी है इस देश में, ये सारी बातें हैं, लेकिन ये है कि काम करना पड़ेगा। अगर आप बॉलीवुड जनता से कैसे रिस्पांस आ रहा है, आप तो जाते होंगे वहाँ उनके बीच में, तो किस तरह से रिस्पांस आ रहा है उधर? क्योंकि उनको उनको, उनको ये विश्वास है कि ये बंदा काम करेगा जी। बॉलीवुड से गए लोगों कुछ को मान ले तो बाकी को माना जाता है कि बॉलीवुड में सिर्फ आइकन या एक छवि बन के रह जाते हैं, संसद में भी न जाते हैं, ऐसा आप क्या चाहेंगे वहाँ पे सवाल उठाएं जो आपके चुनावी क्षेत्र है, आप जीते हैं वहाँ पे, इस तरह से आप? देखो यार मुझे अगर आदर्श रखना है तो मैं ऐसे लोगों को आदर्श रखू ना जिन्होंने काम किया है, जैसे राज बब्बर जी है, जया बच्चन जी है, हेमा मालिनी जी की भी 100% अटेंडेंस रही है राज्यसभा में, ऐसे काफी लोग हैं, जावेद अख्तर साहब है, शबाना जी हैं, सब मैं ऐसे लोगों को आदर्श रखूंगा ना। अगर जो लोग नहीं है उनके जो भी रीजन रहे होंगे मैं उनका एग्जाम्पल क्यों लूं? थैंक यू।